गोपालगंज में अनोखी शादी हुई है। यहाँ पर एक शख्स जेल से 4 घंटे के लिए छूटकर पेरोल पर आता है, थावे दुर्गा मंदिर में अपनी मंगेतर से शादी करता है और फिर से जेल पहुँच जाता है। लाल जोड़े में सजी दुल्हन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान से लड़की की मांग में सिंदूर डाल रहा ये दूल्हा। दरअसल चनावे जेल से 4 घंटे के पैरोल पर ये युवक बाहर आया, कोर्ट ने प्रेमिका से शादी करने के लिए 4 घंटे की पैरोल दी। थावे दुर्गा मंदिर में हुई इस अनोखी शादी में लड़का और लड़की पक्ष के अलावा पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। शादी के बाद थावे वाली के दरबार में पति पत्नी के रूप में दोनों प्रेमी युगल ने आशीर्वाद दिया। इस अनोखी शादी की खूब चर्चा हो रही है। नाम राहुल कुमार, पिता का नाम श्रीजय किशन साहब, बेतिया जिला बागान के रहने वाले हैं हम लोग। सत्संग में मिले थे एक दूसरे, वो काफ़ी दिनों से वहाँ पे बात कर रहे थे शादी के इरादे से, तो हम लोग वहाँ से थावे आए, शादी भी किए। उसके बाद थावे से ठहरे एक जगह, तो उसको अचानक से वैसी हुई तो उसको लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से फिर हम उसको वहाँ पे छोड़ के हम आ गए थाना में, और उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब हम ना जानते। अच्छा, क्या नाम है, वो कहाँ के रहने वाले? वो कप्तानगंज की रहने वाली, उसका काजल कुमारी नाम है। अच्छा, तब तुम दोनों का संपर्क कैसे हुआ? सत्संग में गए थे वहाँ से, कहाँ? कप्तानगंज, कुशीनगर जिला में। कितना दिन से तुम दोनों का संबंध? काफ़ी दिनों से, हम दोनों बात शादी के इरादे से कर रहे थे। शादी कर चुके हैं तुम लोग? जी, थावे मंदिर पर गए थे, शादी का प्रक्रिया कर लिए थे। दरअसल पश्चिमी चंपारण के बगहा थाना क्षेत्र के मच्छरगावा गांव निवासी राहुल कुमार हाजीपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। लखनऊ में एक सत्संग में परिवार के साथ राहुल गया हुआ था, जहां पर यूपी के कप्तानगंज के 21 वर्षीय काजल प्रजापति से उसकी मुलाकात हो गई और फिर ये मुलाकात प्यार में बदल गया। फिर लड़का और लड़की दोनों ने गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में आकर चोरी छिपे शादी रचा ली। लेकिन अचानक 5 मार्च को लड़की की तबीयत खराब हो गई और उसे सदर अस्पताल में प्रेमी राहुल कुमार ने भर्ती कराया, जहां पुलिस पहुंच गई और लड़की की शिकायत दर्ज कर राहुल कुमार को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जिसके बाद CGM कोर्ट में परिवार की ओर से अर्जी दी गई, कोर्ट ने दोनों को शादी की इजाजत दे दी। हम लोग यहाँ पे आए थे थावे मंदिर में, शादी कर लिए, उसके बाद से मुझे ऐसा हो गया और हॉस्पिटल में वही लेके आए, मेरी तबीयत खराब है, मैं उन्हीं शादी करना चाहती हूँ, उन्हीं साथ रहना चाहती हूँ। क्या नाम है? काजल प्रजापति। तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? सत्संग में गए थे, वहीं पे हुई और हम लोग प्यार करते एक दूसरे से। कितना दिन से प्रेम चल रहा है? ज़्यादा दिन से नहीं, जनवरी में से। तो थावे में तुम लोग मंदिर में शादी कर ली? हाँ, हम लोग शादी कर लिए। तो पति पत्नी के रूप में यहाँ ठहरे थे? हाँ। तबीयत अचानक खराब हुई? जी। वहीं परिजनों का कहना है कि अब जल्द से जल्द अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में शादी का सर्टिफिकेट लगाकर बेटे राहुल कुमार को रिहा कराने की अपील करेंगे, ताकि दोनों दांपत्य जीवन में रह सके। थावे दुर्गा मंदिर में हुए इस अनोखी शादी की खूब चर्चा हो रही है।